दोस्तों इस तरीके की वीडियो आपको YouTube पे खैनी नहीं मिलने वाली, तो दोस्तों वीडियो पूरी देखें। दोस्तों ये MD बोर्ड है इस तरीके की, आपको साइज ले लेनी है इस प्रकार से, तो मैं कट कर लेता हूँ। तो और फ्रेंड्स जो मैं स्पीकर बनाकर दिखाने वाला हूँ ये यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला दोस्तों, प्लीज़ वीडियो पूरी देखें। तो दोस्तों आपको 2.5 इंची के स्पीकर ले लेना है, 2 2.5 इंची के, ये 4 ओम 3 वाट के स्पीकर है, 2 लगा लेना है इसके अंदर। तो और दोस्तों देखिएगा मैंने एक एम्पलीफायर बोर्ड लिया है, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर जाकर आप बाय कर सकते हैं आसानी से। तो ठीक है फ्रेंड्स, और ये ब्लूटूथ कार्ड है, इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप। और ये चार्जिंग जैक है, माइक्रो जैक, जो कि हमको चार्जिंग के लिए काम में आने वाला है, ये देख सकते हैं। इस तरीके से आप स्पीकर को सेट कर सकते हैं, देखिएगा दोस्तों मैंने किस प्रकार से लगा रखा है, और ग्लू गन की सहायता से हमको इसको चिपका लेना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको भी कर लेना है, ये 20 में बेस लगाएंगे और लेफ्ट साइड हमको स्पीकर लगाना है, लेफ्ट राइट स्पीकर होंगे हमारे। तो दोस्तों देखिएगा हमको इस तरीके से चिपका लेना है ग्लू गन की सहायता से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे इसी तरीके से और दोस्तों इसको हमको स्टैंड ग्लू के द्वारा इसको चिपका लेना है इसके। देखिएगा दोस्तों इस साइज का आपको कट कर लेना है MDF बोर्ड, देखिएगा दोस्तों इस साइज का आपको कट कर लेना है। स्क्रीन पे दे रखा हूँ मैं इसका साइज वगैरह सब कुछ, तो आप इस साइज में कट कर सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं अब हम इस तरीके से सेट करके और चिपका लेना है स्टैंड ग्लू के द्वारा। तो दोस्तों अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों। और दोस्तों मैंने इसी प्रकार से कई सारे स्पीकर बना रखे हैं मेरे चैनल पे, आप विजिट करके देख सकते हैं। अब हमें रेती की सहायता से यहाँ से कट कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर हम LED लगाने वाले हैं मल्टी कलर वाली। दोस्तों ये RGB बल्ब है दोस्तों, देख रहे हैं आप इस प्रकार से हमको इसके अंदर सेट कर लेना है, ताकि हमारा ये स्पीकर डेकोरेशन के अंदर अच्छा लगे। तो इस प्रकार से हमको इसके अंदर सेट करके स्टैंड ग्लू की सहायता से चिपका लेना है। और ये ऑन ऑफ स्विच है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है इसके अंदर, और हमें इसके अंदर चार्जिंग जैक लगा लेना है। तो दोस्तों देख रहे हैं इस प्रकार से आपको चार्जिंग जैक लगा लेना है, ताकि हमारा ये स्पीकर चार्जर कर पाए। दोस्तों देख रहे हैं आप इस प्रकार से आपको सेट कर लेना है। इसका कनेक्शन बहुत आसान है, मैं इसका डायग्राम बता दूंगा मैं बनाकर। तो दोस्तों देख रहे हैं इस तरीके आपको मोबाइल की बैटरी ले लेनी है, और ये एम्पलीफायर बोर्ड का मैं कनेक्शन डायग्राम के दूर समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, connected.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. दोस्तों ये एम्पलीफायर बोर्ड है, ये बीटी कार्ड है, इसके कनेक्शन देख रहे हैं आप, ये बल्ब से होते हो जा रहे हैं और ये स्पीकर लेफ्ट राइट हो रहे हैं और ये बैटरी से ऑन ऑफ स्विच से होते हुए चार्जिंग मॉड्यूल में हो रहे हैं। देखिएगा किस प्रकार से हो रहे हैं।